नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। श्री विजयनगर नगर पालिका के नए बोर्ड गठबंधन के बाद हरकत में आया पालिका प्रशासन। शुरू हुई कार्रवाई, क्षेत्र में प्लास्टिक पॉलीथीन पर दिखाई दी कार्रवाई। आपको बता दें कि प्लास्टिक पॉलीथीन कैरी बैग इस्तेमाल व बिक्री पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बाद भी धड़ल्ले से बिक्री व इस्तेमाल होती है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा औचक निरीक्षण करने के लिए दल गठित किया गया और प्लास्टिक उपयोग व बिक्री बंद करने के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया। हालांकि श्री विजयनगर मुख्य बाजार से लेकर बस स्टैंड, मुख्य सड़क, तय बाजारी, इंदिरा मार्केट या फिर धान मंडी, हर तरफ सैकड़ों दुकानों पर पॉलीथीन इस्तेमाल व दैनिक इस्तेमाल की सामग्री की खरीद बिक्री में दुकानों पर ग्राहकों को पॉलीथीन में वस्तुएं ले जाते देखा जा सकता है। लेकिन नगर पालिका द्वारा गठित दल व छापेमारी अभियान के दौरान लगभग 4 दुकानों पर ही प्लास्टिक जब्त होने की जानकारी प्राप्त हुई है। हालांकि नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बाजार में अनेकों दुकानों पर जब्त की गई पॉलीथीन प्लास्टिक कट्टे में डालकर ले गए ESI। छापेमारी दल के प्रभारी सुशील कुमार ने जब्त की पॉलीथीन। छापेमारी दल में दीपक कुमार, कनिष्ठ लिपिक देवकरण जाखड़, व्रजनाथ पूनाराम, शिवराज रहे शामिल। सियाराम एंड संस, प्रेमचंद, मोहनलाल, राजीव एंड कंपनी आदि कई दुकानों पर लगभग 40 किलो प्लास्टिक कैरी बैग किए गए जब्त।